साथियों नमस्कार। वो भी क्या दिन थे जब हम रात में सोते समय दादा और दादी से, पापा और मम्मी से कहानियां सुनते थे। तो उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जो हमारे पिताजी हमको सुनाया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक थे जीजा, जीजा थे एक नंबर के नाग, और वे जीजा के है थे चार सारे। अब कबू जीजा सोचे कि मैं सारों ठग लूं, और कबू सारे सोचें कि हम जीजा को चपत लगा दें, तो ये खेल चलते रहता था। एक दिन सालों ने सोचा कि चलो जीजा से मिलके आते हैं। तो जीजा से मिलने के लिए जब वो चले तो जीजा रास्ते में मिल गया अपने खेत पर। जीजा ने कहा, आओ साले साहब, आओ आओ आओ, बहुत दिनों बाद आए हो। जबकि जीजा के मन में भी कपट था और सालों के मन में भी कपट था। जीजा के पास एक खरगोश था। उसने खरगोश से कहा कि जाओ बेटा खुनखुनिया, अपनी भौजी से जान के कह देना कि मम्मा होनो आए हैं, अच्छे खीर भजिया पूड़ी बना के राख हैं। और उन्होंने वो खरगोश को छोड़ दिया। खरगोश इस दड़निया उस दड़निया कूदते फांदते वहां से निकल गया। अब जीजा और साले घर के लिए चले, और घर जाके जब पहुंचे और खाना परोसा गया तो वही खीर भजिया पूड़ी वही खाना बना था जो जीजा ने खुनखुनिया से कहा था। और उन्होंने जाके देखा कि एक दैलान में एक खरगोश बंधा हुआ था। उनके, अरे यार जीजा, जो तुमरो खुनखुनिया तो बहुत ही अच्छो है, कितो अच्छो है। अब हमारे घर है नहीं है मोड़ा मोड़ी, जीजा जो खुनखुनिया तो तू हमें दे दे, हमरे बड़े पाम को। जीजा कह लोगो, नहीं भैया, मैं जो खुनखुनिया नहीं दे सकूं। अब देखो भैया, मैं भी बहुत परेशानी होत है। अब वो साले हट पड़ गए। जीजा ने कहा कि इसके लिए तुमको अच्छी खासी रकम देना पड़ेगा। तो जीजा ने बहुत ज्यादा रकम की मांग कर दी, और सालों ने वो रकम देके वो खरगोश ले लिया। अब खरगोश लेके और अब साले वहां से चले अपने घर की ओर। रास्ते में ही उन्होंने कहा कि जा रे खुनखुनिया, तेरी भौजी से जान के कह दइए कि भैया होनो आ रहे हैं, खीर भजिया पूड़ी बनाकर राख है। अब वो खरगोश तो इधर उधर कूदते फांदते वहां से निकल गया। जब घर जाके वो पहुंचे तो उन्होंने कहा, क्या बना है? उन्होंने कहा, रोटी सब्जी बनी है। अरे कह लगे, हमने वो खुनखुनिया भेजाओ तो, और तुमने खीर भजिया पूड़ी नहीं बनाई, कहां को खुनखुनिया। और उन्होंने कही, लो भैया, अरे वह जीजा की ऐसी की तैसी, वह जीजा की, जीजा ने तो हमें बेवकूफ बना दे। अब गुस्से में वहां से चारों भाई लठ लेके आए। कही, अरे यार जीजा रे जीजा, तूने तो हमें बेवकूफ बना दे, कहां को वो तूने खुनखुनिया दाओ तो तूने कही थी कि वो घर। यानी कि चुप, आवाज मत करो, पहले समझते लो, क्या तुमने उसको पहले घर बता दिया था? अब घर मरवाने देखो नहीं था, और तुमने कह दई जा रे खुनखुनिया, भौजी से कह दई ये भैया होना भजिया पूड़ी बनाकर आके। अब वो चारे ने घर देखा होता तो वो मिलता। अब उसने ऐसा समझाया, हाँ यार जीजा, तू तो जवाब सही कह रहा है, ऐसा सालों ने कहा। अब जीजा ने कहा, देखो भाई, मेरे को अब टाइम नहीं है ज्यादा, आज गुरुवार का दिन है और मेरे को बाजार जाना है। और ठीक है जीजा, हम भी चल रहे हैं बाजार, मैं कहता ना पैसा मैसा तो ले लूं। अब वो एक पेड़ के पास में गया, और पेड़ को उसने ऐसा ऐसा हलाया तो उसमें से पैसा टपकने लगे। उसने पैसा सकेले जेब में रखे। उनने कही, अरे यार जीजा, जो पेड़ हो तो तू हमें दे दे, और जो तो यह सो कही भैया जा, मैं रोज के रोज पैसा लगा था, मैं रोज के रोज जाए हालात हूं और पैसा गिरा ले तू। अरे यार कही जीजा, जो हमें पैसा, जो पेड़ पैसा मारो पेड़ तो तू हमें दे दे। नहीं यार भैया, कह लगे मेरे काम कैसे चले पहले यार। अरे यार नहीं यार जीजा, देख तू देख, अब हम तेरे कितने अच्छे सारे हैं, तू तो हमें दे दे। जीजा ने कहा, भैया ठीक है, मैं दे दूंगा भैया, तुम एक काम करो, मुझे 10 लाख रुपये दे दो। तो उन्होंने कहा, हाओ जीजा, हम तो पैसा दे दें, मानो जो हमका रोज के रोज पैसा लगा था, जो हमारे काम को है, रोज के रोज हमारी कमाई होते रहे। ठीक है, अब वो पेड़ वो उन्हें वहां से लेके आ गए। अब लेके आए और घर में उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोद के वो पेड़ लगा दिया। अब दूसरे दिन जब उन्होंने वो पेड़ को हलाया तो उसमें से उसमें एक चिपका रह गया था, एक छोटा सा सिक्का, वो टपक के गिरा। अब गुस्से में, अरे जीजा की तो ऐसी की तैसी, जीजा की जो तो अपने बिल्कुल नगई है, जो एक नंबर को। अब वहां से गुस्से में जब लठ लेके कूदते फांदते जब आए जीजा के घर में, तो जीजा उस समय वो जीजी को मार रहा था।
अब वो एक मूसर था उससे दे रहा, दे बड़ा बड़ा दे बड़ा बड़ा। और उन्होंने कहा तू हमारी बहने मार रहा हो, कहीं टेंशन मत लो बिल्कुल, जाइए सही नाटक करा था मैं जाइए सही मारा तू, कहीं अब तो जो मरा ही गई। अब्बा ने कही अब देखो कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद उस मूसर उसके नाक से लगा, कही सुंगोटा सुंगोटा सुंगोटा। अब उसने ऐसा कहा और वो सूंघ के वो उठ बैठी। अरे कही जी जी तो जिंदी हो गई नहीं हमारी। कही यार यार जीजा, अब ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि जीजा ने पहले से ही अपनी पत्नी से सलाह करके रखी थी कि तेरे भैया होना अब आ रहा है मुंह मार बेगा जी, तो तू एक काम कर, मैं तेरे को जो घोंटा से बैसे ही मारूंगा और जब बाद में जो घोंटा सुंगाऊंगा तू घोंटा सुंग के उठ आना। तो ये उनकी पहले से तय कई रणनीति थी। तो वे कह लगे जीजा एक काम कर, जो घोंटा तो तू हमें दे दे जो मूसर। तो जीजा ने कही भैया मैं दे तो देऊंगा यार मानो, फिर जा तेरी जीजी बहुत नाटक करा था, फिर जा मानना पड़ा था, फिर जा घोंटा सुंगा जिंदी करना पड़ा। कही यार जीजा जो ही तो हमरो हाल है, वे हमारी घर की है नहीं, बेबी नाक में दम करते हैं, जान ही खा ले थे, अब हमरों का वो दिमाग खराब हो जाते तो मानते ही नहीं है, अब जो घोंटा रहे तो हम दिन से खूब ठोंक हैं और फिर जब जरूरत पड़े उन्हें सुंगा सुंगा के जिंदी कर लें। मैंने कहा ठीक है भैया ले जाओ नहीं मान रहे तो। अरे भाई पुरानी बात तो सब भूल भाल गए और वो घोंटा लेके गए। अब बड़े भैया ने कही यार जा मेरी बारी बहुत गड़बड़ करत है, जाए ठोंक लेन दे आग है, जब होता ही नाटक करते हो लेकर टेको खत्म कर दई। इतने वो संजले ने कही भैया तू बाद में जिंदी करिए, बस संजले भैया ने बाकी पत्नी मार डाली, छोटे ने भी मार डाली, चार ही मर गए। और फिर वे घोंटा सोंगा भी लगे कि घूंट घोटा सूंग उठ बैठा, घोटा सूंग के उठ बैठी। अब उठ रही कहीं मर गई बात हो। और उनकी चाकी ऐसी की तैसी जीजा की, जो तो बहुत ही बदमाश निकलो, जाने तो हमरो घर बर्बाद कर दो यार, अब क्या करें, कहीं आज तो अपन भाई मार के ही छोड़ है। अब इसके पहले जीजा ने क्या करा कि पहले से ही समझ गया था कि मेरे साले बड़े खराब हैं, अब लौट के आ रहे होंगे और मेरा मर्डर करेंगे, मेरे को मार डालेंगे। तो उसने कहा अपनी पत्नी से कि तू एक काम कर, वो एक कुठीला में बंद कर दे, जब कुठीला में मैं छुप के चक्कू लेके बैठा रहूंगा और जब वो तेरे भैया आएंगे तो उनसे तू कह देना अरे वे तो मर गए भैया, मैं दो ही दिन अब आए उनकी लाश बसाल लगी सड़ रही है, नाक नहीं दई जा रही, अम्मे से अकेली से कहां उठ रहे, तो जब मैंने जा कुठीला में बंद कर दे उन्हें। अब जब वो उसके भाई पहुंचे तो यही बात उसने अपने भाइयों से कही। तो भाइयों ने कही यार यार बड़े भैया ने कही चलो मैं देखा तू कैसो बसा रहो। तो बड़े भैया ने जाके ऐसे जू कुठीला में मुंह दिया और उसने खट से उसकी नाक काट ली। जैसे ही नाक काटी है तो भाई ऐसी नाक पकड़ो ऐसे भगा। जब वो भगा तो महले ने कही अरे यार चाहे जी जा तो बहुत ही बुरो बसा रहो है, कही मैं भी तो देखू कैसो बसा रहो है। और वो उधर भग गया था बड़ा मजला गया, जू माने कुठीला को मुठा जू मुंह डाला और उसने उसकी भी नाक खच से काट दी, वो भी भगा। संजले ने सोची कि यार यार जी जा तो बहुत ही बास दे रहा है। यही की यही प्रक्रिया संजले के साथ हुई, छोटे की हुई, चारों की नाक कट गई। अब जैसे ही उनने बाद में देखा अरे हम चारों की तो नाक कट गई, अरे जा की ऐसी की तैसी जीजा की, जो जीजा तो महान नाग है यार। तो उन्होंने कहा एक काम करो, उन्होंने कुठीला का मुंह कर दिया पूरा पैर बंद और उसको भर के एक और उसको लेके चले भी कहीं नरमदाजी में इसको फेंकेंगे अपन। अब उसको लेके चले वहां जाके पहुंचे तो उन्होंने कहा एक काम करें अपन मुंह हाथ धो लें जरा फ्रेश फ्रेश हो जाए, फिर इसको अपन नरमदाजी में डालेंगे। तो जब वो इधर उधर थोड़े से फ्रेश होने के लिए इधर उधर गए तो वहां पर एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा था। अब जीजा को बकरियों की आवाज आ गई, उन्हें कोई बकरी चराने वाला, जीजा धीरे से बोलो का भैया कोई है वो का। और पहले तो बकरी चराने वाले ने सोचा कोई भूत भूत है, वो घबरा गया। अरे कहीं घबरा मत भैया मैं हूं आदमी हूं। अरे बन के कहां से आवाज आ रही कि मैं कुठीला में से बोल रहा हूं। अरे उसके पास में गया भैया तुम यहां से क्यों चिल्ला रहे, भैया मेरो ब्याह हो रो है ते कमार मो कुठीला बंद करो है।
और यार बकरी चराने वाले की शादी नहीं हुई थी, उन्हें के कहा भैया अरे कल मेरे तो चार पांच ब्याह हो गए, जो छठमो मठमो ब्याह हो रहो। कही भैया मेरे एक ही ब्याह नहीं भाव। कही तेरो एक भी नहीं होती, एक काम कर जा कुठीला में मुंह निकाल दे और तू बंद हो जा, तेरो ब्याह हो जाए। अब बेचारा बकरी वाला भोला भाला आदमी था, वो बकरी वाले वो कुठीला के अंदर उन्हें बंद कर दिया और ये कुठीला से बाहर हो गया। अब वो चारों साले आए और उनने उस जो कुठीला था उसको गहरे पानी में सोचा गया, उन्होंने कहा भाई उथले में, क्योंकि वजन उठ नहीं रहा था, उथले उथले में फेंक दिया गहरे में, तो वो नहीं ले गए। अब इधर वो घर आए, जी जी रो मर रही है, अरे तुमने जीजा है मार डारो। अब वे घर पहुंचे ही हैं और जीजा भी पहुंच गए भाई बकरियों को लेकर। कही अरे तेरी जीजा की तो, कही जीजा तो जो आ गो रे। कही कारे जीजा, हमने तो नरमदा जी में फेंक के आए थे, तू कैसे आ गो। अरे कही यार तुम भी पक्के दुश्मन ही हो मेरे, हमेशा मेरे उल्टे ही चलत हो। अब मैंने देखो ये बकरी लेके आओ हूं, काय मारा तुमने मैं उथले पानी में डारो थो। अरे तना गहरे से मैं डार देते तो कछु हीरा जवाहरात लेके आतो, जब उथले पानी मो बकरियां ही मिली हैं। अबे गल अरे यार जीजा तू एक काम कर, जो कुठलियों में हमें बंद करके और हमें नरब्दा जी में फेंक दे। मर गए नहीं यार मैं नहीं करूं उसका। अरे जीजा तेरे पांव लाग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, बाने चारियों अभी कुठीलों में बंद करे और नरमदा जी में ले जाके और वे कुठीलों में गहरे पानी में भी कुठीला डाल दे। तो भैया ऐसे थे जीजा, और अब तो जीजों के बाप हो रहे हैं सारे। तो जब कहानी हम पहले बचपन में सुनत थे, तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर दियो, और फिर मैं अगली एक बहुत जोरदार कहानी पुरानी जो हम सोते समय हमारे पिताजी सुनाया करते थे, अगली कहानी लेके फिर हम आ रहे हैं कल।